मुरादाबाद के लाजपत नगर वासियों की ओर से सावन के आखिरी सोमवार को शिव भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मुरादाबाद में सावन के आखिरी सोमवार को शिव भक्तों की सेवा हेतु लाजपत नगर वासियों की ओर से कटघर कोतवाली के सामने आशीर्वाद नर्सिंग अस्पताल पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में प्रातः काल से मूंग दाल, सूजी, हलवा और चाय पकौड़े की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात छोले चावल, पूरी, आलू की सब्जियां खाने में कांवड़ियों के लिए परोसे गए। वहीं दिल्ली रोड स्थित महाकाल सेवा समिति के बैनर तले विगत 10 वर्षों से कर रहे कांवड़ियों की भंडार खोल कर की सेवा की गई। समिति द्वारा बर्फ का शिवलिंग तथा बाबा बर्फानी की गुफा भी बनाई गई। इस अवसर पर समिति के चौधरी राशिपाल नागर, प्रदीप अग्रवाल, राम बाबू गुप्ता, शरद जैन, विमल पवार, प्रमोद कुमार, नीरज गुप्ता, आशीष अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, नरेंद्र कुमार, डॉक्टर निपेंद्र आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर दिल्ली रोड स्थित कुंदन पेट्रोल पंप के पास कांवड़ियों की सेवा के लिए महाकाल सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में एक विशाल भंडारा लगाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर हेमेंद्र कुमार, कुलदीप त्यागी, कौशल त्रिवेदी, डॉक्टर प्रमोद शर्मा, संजय शर्मा, विशाल रस्तोगी, विशाल, डिप्टी सैनी, शिव कुमार, प्रमोद चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशित मेहरोत्रा है। अच्छा, ये भंडारा किसे सौजन्य चल रहा है? ये 18-19 साल से हम लोग चला रहे हैं। किसे सौजन्य चल रहा है भंडारा? किसके सौजन्य चल रहा है ये? हम सब सौजन्य के, लाजपत नगर के सौजन्य से चल रहा है। भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों के लिए संदेश यह है कि व्यवस्था बनाए रखें और बाबा का नाम लेते रहें, जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या शुभकामना रहेंगे आपके भक्तों के लिए? भक्तों के लिए यही शुभकामना है कि आने वाला साल शांति व्यवस्था का हो, और जैसे भोलेनाथ के पर्व पर ऐसी भीड़ लगती है, ऐसे ही और भी सनातन धर्म के जो पर्व आए उसमें लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सब जो है शांति व्यवस्था बनाए। शुभकामना देना चाहेंगे आप? 2009 में पहली बार भंडारा शुरू किया था और अपने सभी महाकाल सेवा ट्रस्ट के साथियों के द्वारा इस प्रकार रूप में पहुंचा है कि महानगर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आकर के यहाँ का भोज प्रसाद ग्रहण करते हैं। कांवड़ियों की रात भर सेवा होती है, रुकने की व्यवस्था होती है और भोलेनाथ की सुबह आरती के साथ में यहाँ पर भंडारा शुरू किया है।